राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे निर्जला एकादशी व्रत की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था, लेकिन ब्राह्मण बहुत ही निर्धन था। वह भिक्षा के सहारे ही अपने जीवन का गुजारा किया करता था। वह सुबह भिक्षा मांगने जाता और भिक्षा में जो कुछ भी उसको मिलता, आटा, दाल, चावल, गुड़, उसी से उसके परिवार का पेट भरता था। ब्राह्मण का एक नियम था कि वह एकादशी के दिन भिक्षा मांगने नहीं जाता था। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का दिन था। उस दिन भी ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए नहीं गया। संयोग से उस दिन उसके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था, जिससे परिवार का पेट कैसे भरता। अब ब्राह्मण अपना पूजा पाठ में लगा हुआ था, तब ब्राह्मणी ब्राह्मण के पास आई और कहने लगी कि आप भिक्षा मांगने क्यों नहीं जा रहे हो। इस पर ब्राह्मण ने कहा कि ब्राह्मणी, तुझे तो पता है कि मेरी उम्र बीत चली है। मेरे जीवन का यही एक नियम है कि मैं एकादशी के दिन भिक्षा मांगने नहीं जाता हूँ। अब ब्राह्मणी थोड़ी गर्म दिमाग की थी, वह उससे कहने लगी ब्राह्मण से कहने लगी कि व्रत आपका है, हमारा नहीं है। हम कैसे बच्चों का पेट भरेंगे, सब भूखे रहेंगे। कैसे भी करो आप भिक्षा मांग कर लाओ, नहीं तो परिवार में सब लोग भूखा रहेंगे। इस पर ब्राह्मण ने भी कह दिया कि चाहे कुछ हो जाए, आज वह भिक्षा मांगने नहीं जाएगा। एक दिन अगर बिना खाए पिए रह जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस पर ब्राह्मणी का गुस्सा फूट पड़ा और वह ब्राह्मण पर दबाव डालने लगी कि कहीं से भी जाओ और भिक्षा मांग कर लाओ। लेकिन ब्राह्मण ने उसे साफ साफ मना कर दिया। अब ब्राह्मणी बहुत गुस्से में थी। उसने ब्राह्मण के सामने तुलसी का बिड़ला लाकर रख दिया और उसमें से तुलसी दल तोड़ कर कहने लगी कि जाओ, अगर भिक्षा मांग कर नहीं ला सकते तो यह तुलसी दल बेचकर हमारे खाने पीने का इंतजाम करो। ब्राह्मण ने सोचा कि ब्राह्मणी की चिक चिक से बचने का तो यह सही तरीका है। उसने उस तुलसी दल को बड़े ही दुखी मन से लिया और कहा कि मैं अपनी एकादशी बेचने के लिए जा रहा हूँ। उसने कहा ब्राह्मणी ने कि देखो, एकादशी बेच कर ही आना और घर में कुछ लेकर ही बढ़ना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चाहे कुछ हो जाए, अपनी एकादशियों को बेच कर आओ ताकि हमारे पेट हमारे बच्चे भूखे ना रहें। ब्राह्मण तुलसी दल को लेकर चल दिया। चलते चलते ब्राह्मण गांव के बाहर पहुंचा तो उसे एक 9-10 साल की लड़की मिली। वह लड़की ब्राह्मण को प्रणाम करके बोली, ब्राह्मण देवता, आप कहाँ जा रहे हो? तब वह ब्राह्मण कहने लगा, बेटी, मैं अपनी एकादशी को बेचने जा रहा हूँ। इस पर वह लड़की कहने लगी, ब्राह्मण देवता, क्या कोई एकादशी भी बेचता है? इस पर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी की सारी कुटिल बातें उस लड़की को बता दी कि उसकी पत्नी ने बोला है चाहे कुछ भी हो जाए, एकादशी बेच कर ही आना। अब ब्राह्मण उस लड़की को इतना कह कर के आगे बढ़ चला और चलते चलते वह बाजार में पहुंच गया। बाजार में एक दुकान पर जाकर वह उसके सामने बैठ गया। अब ब्राह्मण उधर बैठा हुआ था। आज जिस दुकान पर ब्राह्मण बैठा था उस पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। सुबह से शाम तक उस बनिए का सारा सामान बिक गया। आज उसकी बहुत अच्छी कमाई हुई थी।
कई दिनों से उसकी कमाई नहीं हो रही थी, कोई भी ग्राहक उसकी दुकान पर नहीं आ रहा था, लेकिन आज तो इतने ग्राहक आए कि उसका गल्ला ही पैसों से भर गया। यह देखकर वह बनिया बहुत खुश हुआ और उसकी नज़र जब ब्राह्मण पर गई और वह अपने ग्राहकों से फारिग हुआ तो वह ब्राह्मण के पास आया और कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, आप सुबह से मेरी दुकान के सामने बैठे हो और आपके पैर तो मेरे लिए बड़े शुभ पड़े हैं। जब से आप आए हो मेरी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ जमा हो गई है, आज मुझे बहुत लाभ हुआ है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। आप बताइए, आप किस उद्देश्य से मेरी दुकान के पास आकर बैठे हो? इस पर ब्राह्मण कहने लगा कि मैं आज अपनी एकादशी को बेचने आया हूँ। और उसने अपनी पत्नी की सारी बातें उस दुकानदार को बता दी। वह दुकानदार बोला कि ठीक है ब्राह्मण देवता, आपका तुलसी दल मैं खरीद लेता हूँ। आप जो ब्राह्मण देवता खुशी खुशी खड़े हो गए और उन्होंने तराजू में तुलसी दल रख दिया। बनिया ने भी सोचा कि तुलसी दल में कितना वजन होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 सिक्के चढ़ जाएंगे और ब्राह्मण देवता भी खुश हो जाएंगे। अब जब उसने तराजू के एक पलड़े में तुलसी दल रखा और दूसरे पैसे में सिक्के रखने शुरू किए तो यह क्या, ब्राह्मण का तुलसी दल वाला पलड़ा भाटस से मस नहीं हुआ, इतना भारी हो गया। और जो दुकानदार था उसने अपने गल्ले के सारे रुपया पैसा उस दूसरे पलड़े में रख दिए, लेकिन ब्राह्मण वाला पलड़ा टस से मस नहीं हुआ। यह देखकर ब्राह्मण भी आश्चर्यचकित हुआ और दुकानदार तो बहुत ही हैरान था। अब वह अपने घर के अंदर गया कि जो भी रुपया पैसा घर के अंदर है मैं उसे लाकर चढ़ा देता हूँ। जब ब्राह्मण घर के अंदर गया तो ब्राह्मण सोचने लगा कि दुकानदार तो घर के अंदर चला गया रुपया पैसा लाने के लिए, तो ब्राह्मण सोचने लगा कि एकादशी का इतना महत्व है, इतना फल है कि जो तुलसी का जो दल है वो इतना भारी हो गया है कि सारी दौलत एक तरफ और तुलसी दल एक तरफ। अब ब्राह्मण ने मन बना लिया कि वह अपनी एकादशी नहीं बेचेगा, क्योंकि एकादशी का तो बहुत महत्व है। यह सोचकर उसने अपना तुलसी दल उठा लिया। अंदर से जब दुकानदार आया तो उसने ब्राह्मण से कहा, क्यों ब्राह्मण देवता, क्या हुआ? तब ब्राह्मण दुकानदार से कहने लगा कि मैं अपना तुलसी दल नहीं बेचूंगा। और वह वापस अपने घर की तरफ यह सोचकर चल दिया कि ब्राह्मणी जो चाहे कर ले, कितना भी कलेश कर ले, लेकिन मैं अपनी एकादशी नहीं बेचूंगा और ना ही आज मैं किसी से भिक्षा मांगने जाऊंगा। यह सोचकर ब्राह्मण वापस चल दिया। चलते चलते जब वह उसी गली में पहुंचा जहां पर वह लड़की मिली थी, फिर से वही 9-10 साल की लड़की उसे मिली और कहने लगी, क्यों ब्राह्मण देवता, बेच आए अपनी एकादशी, कितने में बेच कर आए हो? तब वह ब्राह्मण ने बनिया की दुकान पर हुए चमत्कार की सारी बातें उस लड़की को बताई कि कैसे उसका तुलसी दल का पलड़ा भारी रहा और बनिया की सारी दौलत एक पलड़े में रख गई, तब भी तुलसी दल टस से मस नहीं हुआ। अब उसने निर्णय कर लिया है कि वह अपनी एकादशी को नहीं बेचेगा। यह कहकर वह लड़की कहने लगी, हे ब्राह्मण देवता, मेरे कहने से आप एक काम करना, घर पे जा रहे हो तो तुलसी दल के 1-2 पत्ते अपने भंडार गृह में रखना और बचा हुआ तुलसी बांके बिहारी के चरणों में रख देना। इतना कहकर वह लड़की वहाँ से चली गई और ब्राह्मण भी अपने रास्ते चल दिया। घर पहुंचकर ब्राह्मण ने देखा कि ब्राह्मणी घर में नहीं है, वह कहीं पड़ोस में गई हुई थी। तो ब्राह्मण ने चुपचाप तुलसी दल ले जाकर अपने रसोई घर और बांके बिहारी जी के चरणों में चढ़ा दिए और चुपचाप चादर ओढ़कर सो गया कि ब्राह्मणी आकर फिर से खटपट शुरू करेगी।
जब ब्राह्मणी बाहर से आई, जब वह अपने रसोई घर में गई तो क्या देखती है, सारा भंडार गृह तरह तरह की दाल, आटे, गुड़, चावल सबसे भरा पूरा भरा हुआ है और हीरे मोती जगमगा रहे हैं, रुपये पैसे की कोई कमी नहीं है। यह देखकर तो ब्राह्मणी भौचक्की रह गई और वह तुरंत ब्राह्मण को ढूंढने लगी। ब्राह्मण तो चादर ओढ़कर सो रहा था। ब्राह्मणी उसके पास आई और कहने लगी, उसको जगाने लगी कि आप दिन छिपे क्यों सो रहे हैं, दिन छिपे क्या सोया जाता है। ब्राह्मण सोचने लगा कि अब फिर झगड़ा करेगी, लेकिन ब्राह्मण ने उठते हुए कहा कि क्या करूं, मैं अब मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो। इस पर ब्राह्मणी कहने लगी कि तुम एकादशी कितने की बेच कर आए हो, देखो हमारी तो सारी दरिद्रता ही दूर हो गई है। यह सुनकर ब्राह्मण को फिर से झटका लगा और वह कहने लगा कि ब्राह्मणी क्या कह रही है। वह ब्राह्मण को अपने साथ लेकर अपने भंडार घर में गई तो क्या देखता है ब्राह्मण, सारा भंडार गृह अन्न से भरा हुआ है, दाल, चावल, गुड़, आटे के भंडार लगे हुए हैं, सोना, चांदी, हीरे, मोती चमक रहे हैं। यह देखकर तो ब्राह्मण भगवान के गुण गाने लगा, बारंबार विष्णु भगवान को नमन करने लगा और वह कहने लगा ब्राह्मणी से, मैं कोई एकादशी बेच कर नहीं आया हूँ, यह सब तो ग्यारस माता के आशीर्वाद का फल है। फिर उस ब्राह्मण ने अपनी ब्राह्मणी को सारी बात बताई कि कैसे एक 9-10 साल की लड़की उसे रास्ते में मिली थी और उसने तुलसी दल, भंडार गृह और बांके बिहारी के चरणों में रखने के लिए बोला था। तब वह ब्राह्मणी भी अपने किए पर माफ़ी मांगने लगी और वह कहने लगी, वह तो कोई और नहीं, स्वयं ग्यारस माता थी। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों हाथ जोड़कर बारंबार नमन करने लगे। अब ब्राह्मणी ने कहा कि ग्यारस माता का इतना महत्व है, इतना ज़्यादा इसका फल मिलता है कि यह लोक तो सुधरता ही सुधरता है पर लोक भी सुधर जाता है, अब तो मैं भी ग्यारस माता का व्रत किया करूँगी। अगले साल फिर निर्जला एकादशी आई तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ने जोड़े से व्रत किया। व्रत करने के बाद उन्होंने खूब दान पुण्य किया और उनके जन्म जन्म की दरिद्रता दूर हो गई और इस लोक के सुख भोग कर आखिर में वे वैकुंठ धाम को गए। हे ग्यारस माता, जैसे आपने उस ब्राह्मण पर कृपा करी, ऐसे ही यह कहानी कहने वाले और यह कहानी सुनने वाले सब पर अपनी दया करना। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत जिनसे हो सके वे इसका व्रत जरूर करें, लेकिन जिनके शरीर साथ नहीं दे रहा है, बीमार हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, जिनसे यह व्रत नहीं हो पाता है, वे इस व्रत को नहीं करें, क्योंकि भगवान ने भी कहा है, भूखे पेट भजन ना होए गोपाला। इसलिए अपनी आत्मा को कष्ट देकर भूखा ना मरे। अगर आपकी आत्मा दुखी है तो भगवान भी दुखी होते हैं, लेकिन आप सुबह सूर्य उदय से पहले स्नान करके माता विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा करें, तुलसी की पूजा करें, सूर्य नारायण को अर्घ्य दें, जो भी दान पुण्य आपसे बने वह दान पुण्य जरूर करें। इससे भी आपको उतना ही फल मिलेगा जितना निर्जला एकादशी व्रत करने से मिलता है। अगर दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।